हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, एबीबी की तरफ से आ रही सबसे अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप फ्रेशर्स हो या अगर आपके पास 1 साल तक की एक्सपीरियंस है, तो गाइस ये हायरिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो गाइस, अगर इनकी बैच की बात करें, तो अगर आप 2020 बैच से लेकर 2024 बैच तक के कैंडिडेट हो और आप कहीं जॉब के लिए देख रहे हो, तो ये हायरिंग आप लोगों के लिए निकली हुई है। साथ ही गाइस, आपके पास बी बीटेक या अदर ग्रेजुएट्स की डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस, एबीबी हायरिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसको मैं वन बाई वन करके वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस हायरिंग के लिए, तो विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देख सकते हो। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइज, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फाइनली हम लोग एबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे गाइज ये मास्टर डेटा एनालिस्ट है के लिए ये हायरिंग देख रहे हैं। तो गाइज, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स जानेंगे। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर्स हो या अगर आपके पास 1 साल तक की एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बैच गाइज 2020 बैच के कैंडिडेट हो या 2024 बैच तक के कैंडिडेट हो, देन गाइज आप लोग इस हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही गाइज, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एक एक पॉइंट पढ़ लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा गाइज, क्या बैकग्राउंड होने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस या कॉमर्स में। अगर आप फ्रेशर्स हो या 1 साल तक की एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपके यू मस्ट फ्लेक्सिबल इन वर्किंग फॉर एनी शिफ्ट टाइमिंग, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी। ये गाइज एक एक चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो। तो गाइज, ये आप लोग लिए सबसे बेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। तो गाइज, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना और डायरेक्ट आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको और भी कोई डाउट हो, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए गाइज, फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।